कल हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं जिनमें अपन ने भारतीय संविधान की 10 विशेषताएं पढ़ ली। अब उसके आगे संविधान की विशेषता है कि हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। हमारे संविधान को विलक्षण दस्तावेज क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि हमारा संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसको भारत की जनता ने अपने अंतःकरण से स्वीकार किया, यानी अपने अंतःकरण से स्वीकार किया। उसको उसके जो आधारभूत मूल्य है, भारतीय जनता के जो आधारभूत मूल्य थे, उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया। इसलिए हमारे संविधान को एक विलक्षण दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। अगली हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारा संविधान एकात्मक व संघात्मक तत्वों का संयोग। भारत एक संघात्मक राष्ट्र है जिसके अंदर विभिन्न राज्य हैं। राज्यों को अपने क्षेत्र के अंदर स्वायत्तता प्राप्त है। बहुत से विषय जो हमारे देश में शासन को संचालित करने के लिए काम में आते हैं, उनकी 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जो महत्वपूर्ण विषय रखे गए उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ को मिला, केंद्र को मिला। और राज्य सूची में जो विषय सम्मिलित किए गए उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को मिला। संवर्ती सूची में जो विषय रखे गए उनके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है कुछ विषयों पर, और कुछ विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्वों का बड़ा ही अनूठा मिश्रण है कि एकात्मक तो क्यों कहा जाता है कि जो महत्वपूर्ण विषय है विदेशी मामलों के, सुरक्षा के, ये सब केंद्र सरकार के पास। और संघात्मक क्यों कहा जाता है कि राज्य सूची में और संवर्ती सूची में, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर सब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है और राज्य अपने क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र है। फिर जो संवर्ती सूची है उसमें कुछ विषयों पर केंद्र सरकार बनाती है, कुछ पर राज्य सरकार बनाती है। अब इनके अतिरिक्त भी कोई विषय रह जाता है उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त है, इसलिए इसे एकात्मकता का रूप कहा जाता है। 13वीं विशेषता है संविधान की कि स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हमारे संविधान का बड़ा ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायपालिका अपने क्षेत्र के अंदर पूर्णतया स्वतंत्र है, उस पर किसी का भी दबाव नहीं।